जी नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक पांडे है और भारतीय राज्य व्यवस्था पे ये मेरा दूसरा वीडियो है। यहां पर हम भारतीय राज्य व्यवस्था की जहां पर हमने पिछले वाले को छोड़ा था वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। एक चीज है जो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोगों ने पहले ही वीडियो में एक चीज देखा होगा कि मैं आप लोगों से कोरिलेशन की बात कर रहा था कि किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को जब तक आप कोरिलेट नहीं करेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले पहले वाले वीडियो को प्लीज देखिए, ठीक है। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में जो भी हमने इसके पिछले वाले वीडियो में चर्चा किया था आप लोगों से, उसमें हमने बताया था कि किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ था। भारतीय संविधान निर्माण के संबंध में कहा जाता है कि अंग्रेजों का जैसे भारत में आगमन हुआ उसके बाद से ही कहीं ना कहीं संविधान के निर्माण की क्रमबद्ध प्रक्रिया भी स्टार्ट होती है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट आए, उस एक्ट के माध्यम से उनके बहुत सारे नियम कानून आए और उसी के माध्यम से कहीं ना कहीं हमने अपने संविधान में इन चीजों को अडॉप्ट कर लिया। एक चीज था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से ऐसा किया गया। एलिजाबेथ के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से जो कंपनी की स्थापना की गई थी, इस कंपनी ने ऑलमोस्ट रूप से ये क्लियर कर दिया था कि हमें किसी भी हाल में लैंड नहीं चाहिए बल्कि हमें ट्रेड करना है, यानी भूभाग नहीं व्यापार करना है। अब जरा सोचिए कि एक कंपनी जिसे लैंड नहीं चाहिए वो व्यापार करने के लिए आई हो और उस कंपनी का ये नारा है, लेकिन इस पूरी की पूरी कंपनी का जो माइंडसेट था वो कहीं ना कहीं टाइम के साथ साथ परिवर्तित होने लगा। 1600 से लेकर के 1726 तक जब महारानी का फिर से राजलेख आया, इस राजलेख के आने तक अगर हम देखें तो भारत में तीन जगहों पर अंग्रेजों ने अपनी तीन प्रेसिडेंसियों का निर्माण कर लिया। वो प्रेसिडेंसियां थी, एक था बंबई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी 1600 से लेकर के 1726 तक। इन तीन प्रेसिडेंसियों में अंग्रेजों ने अपने तीन गवर्नर्स की नियुक्ति कर दी। ये तीनों गवर्नर्स सिर्फ इसी काम के लिए हुआ करते थे कि यहां पर कहीं कहीं पूरा का पूरा जो प्रेसिडेंसी है वहां के प्रेसिडेंसी की देखरेख करें और इन्हीं के वे आप पे कहीं ना कहीं वहां पर नियम कानून या प्रावधान का व्यवस्था चलाया जाता था, रेगुलेट करने का काम कराया करते थे। जैसी बात थी कि इसके पिछले वाले में आपसे मैंने चर्चा करते हुए एक चीज बताया था कि कंपनी की पूरा का पूरा जो देखरेख था वो 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास हुआ करता था, वही बना करके नियम कानून और इनके द्वारा इसे इंप्लीमेंटेशन कराया जाते थे। लेकिन 1726 का जो राजलेख आया, इस राजलेख ने इन्हें अधिकार दे दिए, अधिकार ये दे दिया कि ये लोग अपने अपने प्रेसिडेंसियों में कानून का निर्माण कर सकते हैं और इन गवर्नर्स ने इन क्षेत्रों में कानून का निर्माण शुरू कर दिया। और आपको पता है कि कानून के निर्माण से कहीं ना कहीं जो राजा महाराजा होंगे वहां से उनको परेशानियां उठाना शुरू हो जाएगा, उनको दिक्कत होने शुरू हो गई। सबसे पहले अगर इन चीज का हम देखें जो आज पड़ी वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पे पड़ा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के जब कार्यकाल में अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल में जो पोर्ट विलियम था, अंग्रेजों का जो किलर वहां पे जहां पे जो प्रेसिडेंसी थी उसको पोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है, पोर्ट विलियम की इन्होंने किलेबंदी स्टार्ट कर दी। सिराजुद्दौला को जैसे ये भनक लगा कि इन लोगों ने यहां पे इन क्षेत्रों पे किलेबंदी का कार्य प्रारंभ किया है, तो सिराजुद्दौला ने एक प्रपत्र के माध्यम से और तमाम सारे हायरार्की बनाया उसने और इसके माध्यम से इन्हें सूचित किया कि आप किलेबंदी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप एक व्यापारिक संस्था है और हमने व्यापार करने के लिए आपको बहुत सारी छूट दे सकी। लेकिन अंग्रेजों ने तमाम सारी बातों का जवाब दिया, गवर्नर ने जवाब दिया, लेकिन इनके इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। और बाद में मिलकर के जो उन्होंने अपना पक्ष रखा वो बड़ा ही ताज्जुब वाली बात थी,
पक्ष ये रखा कि जो पौंडीचेरी है, जो कि आज पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी में यह बताया जाता था कि उस समय अंग्रेजों के अधिकार से छीन करके फ्रांसीसियों का अधिकार के हाथ में रख लिया गया था। और पौंडीचेरी के कुल 5 पार्ट्स थे, एक तो पौंडीचेरी, कराईकल, यनम, माहे और चंद्रनगर। इन 5 जगहों पे कहीं ना कहीं इनका फ्रांसीसियों का अधिकार होने की वजह से अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को यह क्लियर कर दिया कि हम जो यहां पर पोर्ट विलियम में किलेबंदी कर रहे हैं वो मात्र फ्रांसीसियों के भय से कर रहे हैं कि फ्रांसीसी हमारे पे अटैक ना कर रहे। बड़ा अच्छा था ये कहकर के बचने के लिए कि किलेबंदी भी कर लेंगे, और किलेबंदी का मतलब है कि उनका एक क्षेत्राधिकार तैयार हो जाएगा जहां पर वो एडमिनिस्ट्रेशन बड़े अच्छे से फॉलो करा सकते हैं। सिराजुद्दौला को ये चीजें कहीं ना से समझ में आ रही थी, और सिराजुद्दौला के लाख मना करने के बाद भी किलेबंदी कर लिए, और बहाना उन्होंने बहुत अच्छा दिया कि हम फ्रांसीसियों के भय से ऐसा कर रहे हैं। अब एक चीज और उभर करके आया, सिराजुद्दौला की ये जो नाराजगी थी, सिराजुद्दौला ने पश्चिम बंगाल में क्या किया कि अंग्रेजों के 146 लोगों को एक 18 18 फीट लंबे कमरे और 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया। उसमें बच्चे भी थे, महिलाएं थी और लोग थे। यहां तक कि यह कहा जाता है कि उसमें हॉरवेल नामक एक राइटर भी है जो कि उसी कमरे में बंद हो गया था। आप सोच सकते हैं छोटे से कमरे में 20 जून 1756 के दिन इन लोगों को बंद कर दिया गया, और इस घटना को काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही इन लोगों को बंद किया गया, उसके अगले सुबह जब दरवाजा खोला गया तो मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे थे, जिसमें से हॉलवेल भी बचा था। हॉलवेल ने न्यूज के माध्यम से और पेपर के माध्यम से इस बात को, समाचार पत्रों में इस बात को प्रकाशित करा दिया कि यहां पर ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी, और एक ऐसा क्रूर शासक है जो 146 लोगों को इस तरह से जून के महीने में, आपको पता है जून के महीने में कर्क रेखा पर बहुत जोर से, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं उससे, और 20 जून का समय बहुत गर्मी का दिन था, और उस कमरे में एक खिड़की भी बताया जाता है कि नहीं, तो इससे मात्र 23 लोग बचे थे, बाकी सारे लोगों का दम घुट करके मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने जब ये बात सूचना उन्हें पता चला कि इस तरह से घटना घटा है, तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से नाराज हो गए और सिराजुद्दौला पे उन्होंने अटैक कर दिया। और उसके बाद आपको पता है कि प्लासी का एक युद्ध हुआ था जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ, और इस युद्ध में दो लोग युद्ध लड़े, एक तरफ थे सिराजुद्दौला और दूसरे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे। जाहिर सी बात था कि नवाब के जो लोग थे, जो नवाब के मेंबर्स थे जो इनके साथ लड़ाई करते थे, जैसे कि मीर जाफर था, मीर जाफर पहले से जाकर के अंग्रेजों से मिलकर के बात कर लिया कि हम किसी भी हाल में सिराजुद्दौला को चाहते हैं कि वो हार जाए और हम आपकी मदद करेंगे। युद्ध शुरू हुआ, मुर्शिदाबाद के प्लासी के मैदान पे ये युद्ध प्रारंभ हुआ। जब प्लासी के मैदान पे ये युद्ध प्रारंभ हुआ तो युद्ध में सिराजुद्दौला का विजय देखते हुए मीर जाफर ने जाकर के सलाह मशवरा लिया सिराजुद्दौला से, और सिराजुद्दौला से यह क्लियर कर दिया कि हम युद्ध जीत रहे हैं, महाराज आप जा सकते हैं घर। सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद वापस चले आए, और मीर जाफर इस युद्ध को बड़े आराम से देखता रह गया, और जाकर के अंत ये अंग्रेजों की जीत हो गई। और फिर मीर जाफर ये केवल गद्दी के लालच में प्लासी के युद्ध में जानबूझ करके हार गए। अंग्रेजों की जैसे जीत हुई तो मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया। इस तरह से सिराजुद्दौला की हत्या यानी प्लासी के युद्ध यानी जो कि 23 जून 1757 को घटा था, इससे इतिहास में एक बहुत तेजी से करवट ले गया। कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो बंगाल का नवाब का पद था, उस नवाब के पद को बनाने तथा बिगाड़ने का पूर्णतः अधिकार अंग्रेजों के हाथों में था। अब अंग्रेज जिसे चाहेंगे बंगाल का नवाब बना देंगे। खैर, मीर जाफर को इस तरह से गद्दी पर बैठा दिया गया, और मीर जाफर कहीं ना कहीं जैसे ही नवाब बना तो मीर जाफर अंग्रेजों के पक्ष में ही बात करता था। एक चीज और क्लियर हो गया कि मीर जाफर की शासन
के दौरान धीरे धीरे अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो पहले से भी बदलती चली गई। बाद में आपको पता है कि मीर कासिम गद्दी पर जब बैठा नवाब के, तो नवाब का जो पद था वो तो एकदम से कठपुतले की तरह हो चुका था। वो कहीं ना कहीं अब नवाब को कौन बैठाया जाए, नवाब कौन बैठे, इस बात का पूरा जो डिक्लेरेशन था वो अंग्रेजों के हाथ में गया। अब जब मीर कासिम गद्दी पर बैठा तो उस समय एक युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद हुआ था, जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764। और बड़े कमाल की बात यह थी कि इस युद्ध में कहीं ना कहीं एक गुटबाजी करके युद्ध लड़ा गया था। आपने देखा कि बंगाल का जो अब कहीं ना कहीं अधिकार है वो मीर कासिम के हाथ में आ गया। मीर कासिम, इसके साथ साथ यहां का जो क्षेत्र है ये अवध, इसे अवध कहते हैं, यहां पर अवध के नवाब हुआ करते थे, और अवध के नवाब उस समय सुजाऊ दौला थे। सुजाऊ दौला और दिल्ली में उस समय शासन कर रहे थे शाह आलम द्वितीय। इस तरह से अगर आप देखें तो बक्सर का जो युद्ध हुआ उसमें दो भागों में एक तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं कि एक तरफ भारत के ये सारे के सारे लोग थे, यानी शाह आलम था, दूसरा मीर कासिम था, और तीसरे सुजाउद्दौला। और जो युद्ध हो रहा था वो अंग्रेजों से बीच हो रहा था। कुछ समय के बाद हुआ था युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व तो कर रहा था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था। और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जा रहा था। लेकिन एक युद्ध का जो परिणाम आया उस युद्ध में ये तीनों के तीनों मेंबर हार गए और अंग्रेजों की जीत हो गई। यानी 22 अक्टूबर 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ, इस युद्ध ने कहीं ना कहीं बंगाल के नवाब का जो पद था बनाने बिगाड़ने का अधिकार, वो प्लासी के युद्ध से कहीं कहीं अंग्रेजों को तो मिल गया था, लेकिन बक्सर के युद्ध ने यह क्लियर कर दिया कि यहां पर, यानी आप कह सकते हैं कि इतिहास करवट ले रही है, और कई बार इतिहास करवट लिया है, और वो एक ऐसे डेट होते हैं जिसमें इतिहास का कहीं ना कहीं अधिकार दूसरे शासन के अधिकार में आ जाता है। जैसे कि 1192 का जो युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध, उसमें आपने देखा कि पृथ्वीराज चौहान गोरी से हार गए। उसके बाद एक युद्ध हुआ था 1526 का, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में भी बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। उसी तरीके से एक चीज यहां पर क्लियर हो गया कि भारत में अब अंग्रेजों का कहीं ना कहीं शासन या आधिपत्य हो गया, यानी एक तख्ता पलट रही है और दूसरी तख्त मतलब दूसरी तख्त इस पर साम्राज्य पर विराजमान कर रही है, और अंग्रेजों का कहीं ना कहीं इस युद्ध में जीत हो गया। बक्सर के युद्ध ने जीत से यह क्लियर कर दिया गया कि अब यहां पर भारत पर शासन कौन करेगा, और भारत पर शासन अब अंग्रेज करेंगे। जैसे ही बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ, इस युद्ध के बाद एक संधि की गई जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की जो संधि थी वो 16 अगस्त 1765 को किया गया था। ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई थी 16 अगस्त 1765,
और 16 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, इस संधि में एक चीज डिक्लेयर कर दिया गया कि आप अगर देखें मैप में, यहां पे अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो ये जो क्षेत्र है ये तो बंगाल का हो गया। बंगाल के जस्ट नीचे ये वाला जो क्षेत्र है, नीचे वाला, ये उड़ीसा है, आज हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, और जस्ट ऊपर यहां वाला जो क्षेत्र है ये है बिहार। ठीक है, तो बंगाल जो बक्सर का युद्ध हुआ, इस बक्सर के युद्ध से और इलाहाबाद की संधि से यह क्लियर कर दिया गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगहों की जो दीवानी थी, दीवानी वो कोई और नहीं बल्कि अंग्रेज वसूलेंगे, यानी जो भूमि का जो टैक्स है, यानी जो टैक्स वसूलने का अधिकार है, वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीन जगहों का जो दीवानी का अधिकार, यानी टैक्सेशन का जो वसूलने का अधिकार था, वो अंग्रेजों के हाथ में है। ये एक बहुत बड़ा अधिकार था जो अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। इस अधिकार ने ही अंग्रेजों का कहीं ना कहीं एक तरह से मजबूती की तरफ पक्ष दिखाते हुए हमें प्रदर्शित करता है। अंग्रेज, जाहिर सी बात था, जो टैक्स वसूलने का अधिकार मिला, ये पूरा का पूरा टैक्स वसूलने की जो जिम्मेदारी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पे आ गया। कर्मचारी ईस्ट इंडिया के जो थे, उन्होंने क्या किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीन जगहों से जाकर के टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। और बड़े कमाल की बात यह थी कि ये जो टैक्स वसूलना इन लोगों ने प्रारंभ किया था इन क्षेत्रों में, यहां पर जाकर के, एक तो आप एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी टैक्स का एक मानक निर्धारित किया था कि आप जाकर के इन क्षेत्रों से इतना इतना टैक्स वसूलेंगे, ये लोग जाकर के इन क्षेत्रों से अत्यधिक टैक्स वसूला करते थे, यानी दुगना लगान। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा, लगान मूवी, लगान मूवी में ने आपने एक चीज देखा होगा कि वो अंग्रेज आता है और आकर के गांव वालों से बोलता है कि दुगना लगान देना होगा, पड़ेगा दुगना लगान देना पड़ेगा। तो आप लोगों ने एक चीज इसमें समझा होगा कि जो दुगना लगान देना पड़ेगा, मतलब कि कंपनी ने कहीं ना कहीं एक टैक्स निर्धारित किया था कि जो देना है इन क्षेत्रों के लिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लोगों के, और यहां पर आकर के ये अत्यधिक टैक्स की मांग कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो कर्मचारी थे वो लूट प्रणाली पर आधारित जीवन जीना शुरू कर दिए थे। यानी वसूलना इनको कम था, लेकिन जानबूझ करके सिर्फ इस युद्ध और इस संधि का फायदा उठा रहे थे और जानबूझ करके अत्यधिक टैक्स वसूलते थे। यानी आप कह सकते हैं कि दीवानी के माध्यम से एक लूट प्रणाली स्टार्ट हो गया था, एक लूट प्रणाली स्टार्ट हो गया था, और इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो दीवानी अत्यधिक वसूलना शुरू कर दिए, तो कंपनी के जो मेंबर्स थे, जो कर्मचारी थे, वो अत्यधिक अमीर होते चले गए, लेकिन कंपनी निरंतर घाटे में होती चली गई। क्योंकि जाहिर सी बात था, जिस कंपनी का मोटो था, माइंडसेट था व्यापार करना, अब वो कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जो मेंबर हैं, वो व्यापार को छोड़ करके ये लोग एक दूसरे वे में चल रहे हैं, यानी टैक्स वसूलने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब अगर आप जिस लक्ष्य के लिए, प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस लक्ष्य को छोड़ करके दूसरे काम में लग जाएंगे, तो और उसमें भी आप घपलेबाजी शुरू करेंगे तो फायदे तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को निरंतर घाटा होने लगा, क्योंकि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो वसूलते तो बहुत ज्यादा पैसा थे, लेकिन कंपनी को जमा भी बहुत कम करते थे, कंपनी घाटे में निरंतर चली गई। फिर कंपनी के पास इतना स्थिति खराब हो गया कि कंपनी का दिवालिया लगने की स्थिति आ गई। कंपनी के पास कोई सोर्स नहीं था कि कंपनी को किस तरीके से बचाया जा सके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन का जो सीनेट है, यानी जो हम संसद को वहां पे सीनेट कहते हैं, उसके समक्ष जाकर के ये प्रस्तुत हो गया और बोला कि अगर आप हमें टैक्स नहीं, या हमें ऋण नहीं देंगे, कर्ज नहीं देंगे, तो हम अपने कंपनी को अब कुछ भी दिन तक चला नहीं सकते, बल्कि हम दिवालिया के कगार पे हैं। एक आपको इतनी सारी चीजों को समझने के बाद एक चीज क्लियर कर दें कि ये जब भी कंपनी के कर्मचारी इंग्लैंड जाया करते थे, तो वहां के जो सीनेट के मेंबर थे वो इन कर्मचारियों को देखते थे कि एक छोटे छोटे वहदे के कर्मचारी, और वहां पर जाकर के एक बहुत बेमिसाल तरीके से जीवन जीना, एक हिस्ट पुष्ट तरीके से रहना, उनके भवन अच्छे होना, ये कहीं ना कहीं ये डिनोट कर रहा था कि कंपनी तो लाभ में है, तभी तो कंपनी के कर्मचारी इतने अच्छे स्थिति में है। ये बात किसी को क्लियर नहीं था कि कंपनी के कर्मचारी लूट पड़ा कर रहे हैं, यानी अत्यधिक टैक्स वसूल रहे हैं।
जब से ही ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी ने संसद को सुनाई, वहां की ब्रिटेन की संसद ने ऋण देने से मना कर दिया, कहा कि हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि हम तभी दे सकते हैं कि जो भी चीजें हैं आपकी, कि आपने आपके जो कर्मचारी हैं, मेंबर हैं, वो तो बड़े हृष्टपुष्ट दिखाई दे रहे हैं और आप लोग ये कह रहे हैं कि आपकी कंपनी घाटे में जा रही है। अंत संसद को ये बात मानना पड़ा कि कहीं कहीं वास्तव में ये परेशानी में है। तो संसद ने क्या किया कि एक सेक्रेट कमेटी का गठन किया, एक जांच दल का गठन किया और ये कहा कि हम आपको टैक्स देंगे, मतलब ऋण देंगे, टैक्स सॉरी, ऋण देंगे, लेकिन वो ऋण हम तभी देंगे जब हम पहले एक बार जांच कर लें, पता कर लें कि वास्तव में क्या आपका जो माली हालत है इतना गिर गया है कि आपको ऋण की आवश्यकता है। तो फिर कंपनी ने क्या किया कि 1772 में, कंपनी ने 1772 में एक सेक्रेट कमेटी का स्थापना किया, गठन किया। यानी आप कह सकते हैं कि एक जांच दल, ये जो जांच दल 1772 में बना, ये जांच दल भारत आई और भारत आकर के इस बात का बहुत अच्छे से इंक्वायरी की कि क्या वाकई में कंपनी घाटे में लग गई है। जाहिर सी बात थी कि कंपनी का जो ये जांच दल बनाया गया था संसद के द्वारा, ये जैसे ही भारत आए और कंपनी के कर्मचारियों का जो भी कार्य था उसे देख करके और इन क्षेत्रों का भ्रमण किए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, और पता चला कि वास्तव में कंपनी को सच में घाटा लगा है, क्योंकि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो दूना लगान वसूल कर रहे हैं, यानी लूट प्रणाली पे जीवन जी रहे हैं, यानी टैक्स तो ये अधिक वसूलते हैं लेकिन जमा कंपनी को बहुत कम करते हैं। तो एक चीज और क्लियर हो गया कि वास्तव में कंपनी घाटे में गई है। तो सीक्रेट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संसद ने कंपनी को ऋण देने के लिए तैयार हो गई और कही कि ठीक है, हम आपको ऋण देंगे, लेकिन हम ऋण देंगे लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ चीजें हैं को आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी और हमारे साथ बैठ करके आप उन चीजों पर कहीं ना कहीं एक व्यवस्था है, एक नियम है जो हम पास करेंगे। उस नियम को उन्होंने एक नाम दे दिया, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग पढ़ते होंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो इतनी सारी भूमिका बनने के बाद आया था, यानी इस कमेटी के जांच दल के रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर दो चीजें हुई कि एक तरफ संसद, ब्रिटेन की जो संसद थी वो बैठी और दूसरी तरफ कंपनी, और फिर संसद और कंपनी इन दोनों लोगों ने मिलकर के आपस में एक एक्ट पास किया। यानी कहीं कहीं आप कह सकते हैं वो जो भी एक्ट